हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहां पर सिर्फ इतनी हेडिंग दे दी है तुम्हारे कोर्स में, इसके अंदर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कौन से टेस्ट पर्टिकुलर है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है यहां पर। ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहां पर जनरल बातें कवर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा संभावना है क्वेश्चन भी जनरल आएगा, पर्टिकुलर टेस्ट को लेकर के क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टेस्ट के बारे में बताओ या उस टेस्ट के बारे में बताओ। ठीक है ना, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट वन। अगर आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है तो ये लेक्चर देखने में समझने में आसानी रहेगी। पार्ट वन में हमने जाना था कि किसी भी प्लांट का जो कोई पार्ट होता है जिसके अंदर दवाई की क्वांटिटी यानी कि मेडिसिन मौजूद होती है, तो उस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, उस प्लांट के पार्ट को लेते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब एक्सट्रैक्शन क्या होता है, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, वो सारा हम लोग लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, उसका निचोड़ मिल जाता है। उस निचोड़ में क्या चीज मौजूद है ना, अल्कोलाइड है, ग्लाइकोसाइड्स है, क्या चीज है उसके अंदर, उसको जानने के लिए हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटी उसकी क्वालिटी क्या है, अल्कोलाइड है, सिनोसाइड्स है, क्या है उसके अंदर। क्वांटिटी, अगर अल्कोलाइड है तो उसकी कितनी मात्रा है, उस 100 ग्राम का अगर मैं पत्ता ले लूं या 100 ग्राम की उस प्लांट की टहनी ले लूं तो उसमें कितनी मात्रा में मेरे को अल्कोलाइड मिल जाएगा टोटल 100 ग्राम में, है ना। तो देखो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, दो चीजें देखते हैं, क्वालिटी, क्वालिटी मतलब क्या चीज है, और क्वांटिटी वो चीज कितनी है उस प्लांट के अंदर। बात समझ में आई? तो क्वालिटेटिव में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास लगभग जो हमारे मतलब के ड्रग्स हैं, देख सकते हैं हम लोग क्या क्या हैं, स्टीरॉइड्स हैं, रिड्यूसिंग सुगर्स हैं, टर्पिनॉइड्स, ट्राई टर्पिनॉइड्स हैं, सुगर्स, अल्कोलाइड, फिनोलिक कंपाउंड्स, ये एक साथ है फिनोलिक कंपाउंड, ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स, सेपोनिन, टैनिन्स, एंथ्राकिनोन्स और अमीनो एसिड्स। ठीक है ना, तो ये होगी क्वालिटेटिव। और भी है यहाँ कुछ, मैंने मेंशन किया है, अगर तुम लोग कुछ और इसमें मेंशन करना चाहते हो, कुछ हटाना चाहते हो तो अपना कर सकते हो। मैंने जैसे पहले बताया लकी का फकीर नहीं बनना है, ठीक है, किसी खास चीज पे कमांड ज्यादा अच्छी है तो उसको आप यहां पे ऐड कर सकते हो। डिटरमिनेशन ऑफ टोटल अल्कलॉइड, टोटल टोटल फ्लेवोनॉइड, टोटल फिनोलिक, टोटल सेपोनिन, टोटल की बात हो रही है, टोटल कितना, दैट इज योर क्वांटिटी एंड क्वालिटी है क्या चीज। क्लियर होगी बातें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटी से क्वांटी और क्वालिटी से क्वालिटेटिव, वर्ड क्लियर रहेंगे, क्लियर है, चले आगे। नाउ क्वालिटेटिव एनालिसिस, प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आखिरकार ये टेस्ट हमको कंफर्मेशन देते हैं कि ये टेस्ट अगर पॉजिटिव होंगे तो हां इसका मतलब उसके अंदर अल्कोलॉइड मौजूद है। ठीक है ना, कंफर्म नहीं हुआ है, एक संभावना मिल जाती है कि यहां पे अल्कोलॉइड होने की संभावना है। क्यों, कई बार एक से ज्यादा टेस्ट एक के लिए हो जाते हैं, जैसे कि अभी हम देखें टर्पिनॉइड्स, ठीक है ना, ये दोनों टेस्ट यहां मौजूद है, तो यानी कि जैसी सल्कोस्की टेस्ट करेंगे तो हमको एक अंदाजा मिल जाएगा कि यहाँ पे टर्पिनॉइड्स और फाइटोस्टेरॉइड्स होने की संभावना है। फिर कन्फर्मेटरी है ना, प्रीलिमिनरी टेस्ट मतलब ये हमें एक इन्फ्रेंस देते हैं, संभावना बताते हैं कि हाँ ये टेस्ट, ये चीज यहाँ पे मौजूद है। बात समझ में आई? तो यहां पर देखो ये जो पार्ट है सेकेंड वाला, यहाँ पर टोटल हमको ये लर्न करना है, याद करना है, कितना अच्छा आप याद कर लो। ठीक है, मानो अल्कोलॉइड के लिए 4 टेस्ट दे दिए तो मैं नहीं कह रहा सारे चारों लर्न कर लो, है ना, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कौन सा टेस्ट किसके लिए है। ठीक है, अच्छा ये टेस्ट जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 आएगा उसमें ऑक्यूरेंस और टेस्ट के बारे में है, अल्कोलॉइड और ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, वो यहां पर कुछ चीजें कवर कर लेगा, है ना, अल्कोलॉइड है उसमें शायद तुम्हारा, फिर फ्लेवोनॉइड्स हैं, है ना, चैप्टर नंबर 4 में, तो ये टेस्ट वहां पे भी काम आएंगे। क्लियर है? ओके, तो ये कुछ टेस्ट है, मेयर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, वैगनर टेस्ट, ठीक है, सेपोनिन के लिए फोम टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, फोम और फोर्थ झाग होता है, ठीक है, ये नाम से है जिन जिन साइंटिस्ट ने बनाए हैं। टैनिन फेरिक्लोराइड टेस्ट FeCl3, टर्पिनॉइड्स सल्कोस्की टेस्ट, फाइटोस्टेरॉइड्स सल्कोस्की टेस्ट, लिबरमैन बुचार्ड टेस्ट, ठीक है ना, लीड एसिटेट टेस्ट, फ्लेवोनॉइड में लीड एसिटेट टेस्ट और अल्कलीन रिएजेंट टेस्ट, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में किलर क्लानी टेस्ट, फिनॉल्स के लिए फेरिक्लोराइड टेस्ट है और लीड एसिटेट टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट के लिए मॉलिश टेस्ट होता है, फिक्स्ड ऑयल एंड फैट के लिए स्पोर्ट टेस्ट और सपोनिफिकेशन टेस्ट होता है, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स के लिए मिलन्स टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट और निनहाइड्रिन टेस्ट होता है,
गम्स एंड म्यूसिलेज अगर मौजूद होगा तो रुथेनियम रेड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। रिड्यूसिंग शुगर होगा तो फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और वोलेटाइल ऑयल होगा तो सूडान रेड और अल्काना टिंचर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूं, जिसमें सबसे पहले सबका एक एक तो याद कर लो। और जैसे कि है ना, हमारे मतलब का मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारे मतलब के हैं। तो क्या क्या ले लोगे तुम? अल्कोलाइड ले लोगे, टैनिन ले लोगे, टर्पिनॉइड ले लोगे, स्टीरॉइड ले लोगे, फ्लेवोनॉइड ले लोगे, कार्डिक ग्लाइकोसाइड ले लोगे, फिनॉल छोड़ दोगे, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दोगे, फिक्स्ड ऑयल एंड फैट ले लोगे, प्रोटीन एमिनो एसिड छोड़ दोगे, फिर वोलेटाइल ऑयल ले लोगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं? लगभग लगभग सेपोनिन ले सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 में से कम 5 तो याद करो, ठीक है ना, जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। बात समझ में आ रही है? जो प्राइमरी होते हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, उन पे थोड़ा कम फोकस करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो जब ये टेस्ट, अच्छा ये तो मैंने नाम बता दिए, ठीक है ना, अभी हम इसको बारी बारी से डिस्कस भी करेंगे कि किसके अंदर क्या होता है। फिलहाल तो सबसे पहला काम क्या होगा कि किसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, इसको याद करोगे। अच्छा नहीं सर, आपने तो लिख दिया, याद कैसे करें? ठीक है, तो करना पड़ेगा बच्चों, कुछ अपना ट्रिक बनाओ, कुछ भी जैसा चाहो, जो भी करना चाहो, आपस में दो लोग बैठ जाओ, डिस्कस कर लो। ठीक है, एक दिन में याद नहीं हो रहा है तो 1, 2, 3, 3 या 4 आज याद कर लिए, 3-4 अगले दिन याद किए, है ना, करना तो पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। नाउ डिटेक्शन ऑफ अल्कोलाइड, यहाँ डिटेक्शन हो रहा है, ध्यान रखना क्या हो रहा है, डिटेक्शन, पता चलेगा कि हाँ यहाँ अल्कोलाइड होने की संभावना है, ड्रैगन डॉर्फ टेस्ट। अब यहां पर बच्चों लर्न करना है, रटने वाला काम है पूरा, देखो यहां पे कुछ और कर नहीं सकते हैं। फिल्ट्रेट का मतलब पता ही होगा, फाइनली जो क्या तैयार हो गया हमारे पास, एक्सट्रैक्शन के बाद जो निचोड़ मिलता है हमें, एक्सट्रैक्ट कह लो, उसको हम ट्रीट करते हैं पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड के साथ, ठीक है, जिसे हम ड्रैगन डॉर्फ रिएजेंट भी कहते हैं। अब ये तुम लोगों को लर्न करना पड़ेगा, है ना, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ड्रैगन डॉर्फ कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट अगर आ जाए तो हम मान के चलते हैं कि वहां अल्कोलाइड होगा, कंफर्म नहीं है, होगा। क्लियर है? हैगर टेस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग? हैगर रिएजेंट लेते हैं, ठीक है। अगर देखो ऐसा अगर आ जाता है तुमको, अगर नहीं ये याद नहीं होता, देखो तरीका होता करने का, सबसे पहले क्या, अच्छा ड्रैगन डॉर्फ टेस्ट क्या करना है, तुम क्या लिखोगे एग्जाम में? व्हेन वी ट्रीट एक्सट्रैक्ट विद ड्रैगन डॉर्फ रिएजेंट। अब ये नाम याद नहीं है, छोड़ दो, ड्रैगन डॉर्फ तो याद हो जाएगा, ठीक है। वी And we get orange red precipitate, then it will show the presence of alkaloid. खत्म कहानी, हो गया ना, सिंपल। और जो जिनकी लर्निंग कैपेसिटी और अच्छी है वो इसको भी याद कर लो, और अच्छी बात है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो एक एक याद कर लेंगे, एक इसका वरना अदरवाइज वो टेबल भी काम करेगी हमारे लिए, ठीक है ना। फिर हैगर टेस्ट, हैगर टेस्ट में क्या करना है, हैगर टेस्ट में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? प्रेजेंस ऑफ अल्कोलाइड वर कन्फर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर, येलो कलर आ जाएगा तो ये कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। मेयर्स टेस्ट, फिल्ट्रेट या एक्सट्रैक्ट ट्रीटेड विद पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशंस, मेयर्स रिएजेंट। मैं यहां पर इनके फॉर्मूले भी लिखना चाह रहा था, मैंने कहा नहीं, फिर तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। और किसी को लगता नहीं फॉर्मूला देखना, तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड नेट पे टाइप करोगे गूगल पे, उसका फॉर्मूला निकल आएगा यहां पर, ठीक है, अगर कोई फॉर्मूले के हिसाब से याद करना चाहता है तो, ठीक है। क्या आ जाएगा? व्हाइटिश येलो टू क्रीम कलर आ जाएगा, जो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ अल्कोलाइड। इसी तरह क्या है हमारे पास? डिटेक्शन ऑफ सेपोनिन है, फ्रोथ टेस्ट, फ्रोथ मतलब होता है झाग, झाग है ना। एक्सट्रैक्ट जो होगा उसे ट्रीट करते हैं डाइल्यूट डिस्टिल वाटर 220 ml एंड शेकन इन ए ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब, हिला देंगे 15 मिनट के लिए। फॉर्मेशन ऑफ 1 cm लेयर ऑफ फोम, एक जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें ये था, इसको हिला देंगे तो इसके ऊपर क्या होता है, कितनी 1 cm लगभग ऐसे करके झाग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, झाग सा आ जाता है, तो हमको पर लगता है क्लियर होता है कि हाँ उसके अंदर क्या है, सेपोनिन होगा। फोम टेस्ट, फोम टेस्ट क्या होता है? ओके, ठीक है, फोम भी क्या है, झाग का ही रूप है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एक्सट्रैक्ट वाज शेकन विद 2 ml ऑफ वाटर, परसिस्टेंस ऑफ फोम प्रोड्यूस्ड फॉर 10 मिनट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सेपोनिन, 10 जो फोम बनेगा वो 10 मिनट तक रहेगा फिर चला जाता है, तो बताता है हमको क्या है, सेपोनिन है। डिटेक्शन ऑफ फाइटोस्टेरॉइड, ठीक है, साल्कोस्की टेस्ट, लीबरमैन बुचार्ड टेस्ट, एडिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे ये डालेंगे अलाउ द सॉल्यूशन टू स्टैंड, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग, जब ब्राउन रिंग बनेगी तो हमें क्या फाइटोस्टेरॉल का प्रेजेंस का पता चलेगा। लीबरमैन बुचार्ड में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्टेड सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन को हम लोग क्लोरोफॉर्म से निकालेंगे,
ठीक है ना। ठीक है, तो देखो यहां पे इस दोनों टेस्ट के लिए हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रैक्ट डिजॉल्व इन 5 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये इसकी पहली कंडीशन है। ये दोनों टेस्ट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 5 ml क्लोरोफॉर्म में इसे डिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, इसको डिजॉल्व करेंगे, फिर ट्रीट करेंगे किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, बॉइल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, एड कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसको थोड़ा सा एड कर देंगे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लूइश ग्रीन कलर, ये कलर जब आएगा तो हमको क्या बताएगा, फाइटोस्टेरॉल की मौजूदगी की, हाँ यहां पे फाइटोस्टेरॉल मौजूद है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाए डिटेक्शन ऑफ टैनिन। टेक 0.5 ग्राम ऑफ ड्राइड पाउडर प्लांट, जो हमने एक्सट्रैक्ट निकाला है उसे उबालेंगे 0.5 ग्राम इन 20 ml ऑफ वाटर में, उसे बॉइल कर लेंगे। ठीक है, फिल्टर द अबव मिक्सचर एट फ्यू ड्रॉप ऑफ 1% फेरिक क्लोराइड, उसे छानने के बाद 0.1% फेरिक क्लोराइड यानी कि FeCl3 ऐड करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ब्राउनिश ग्रीन और ब्लू ब्लैक कलरेशन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टैनिन, वो क्या मौजूद बताएगा, टैनिन की मौजूदगी को इंडिकेट करता है। नाउ अल्कलीन रिएजेंट टेस्ट, ट्रीट द एक्सट्रैक्ट विद फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, NaOH के साथ ट्रीट करेंगे सबसे पहले उसे, फिर बहुत ही जबरदस्त येलो कलर आ जाएगा विच बिकम कलरलेस ऑन फर्दर एडिशन ऑफ डायल्यूट एसिड, जो येलो कलर आएगा उसके बाद अगर हम एसिड डाल दें डायल्यूटेड एसिड तो कलर गायब हो जाएगा, जिससे हमें फ्लेवोनॉइड की मौजूदगी का पता चलता है। लीड एसिटेट टेस्ट, ठीक है मैंने तीन तीन करवा दिए हैं, एक भी याद कर लोगे काफी है। ट्रीट द एक्सट्रैक्ट विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लीड एसिटेट, ऑब्वियसली बात है जब नाम ही है तो पहले उसी से हम लोग ट्रीट कराएंगे, वही डालेंगे उसके अंदर। फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड, ठीक है येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएंगे अगर, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट समझते हो ना, एक तरह से समझ लो कि जो मटमैलापन आया था येलो कलर का, ठीक है वो फ्लेवोनॉइड को इंडिकेट करेगा। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टू द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में, अच्छा यहाँ पे तुम लोग एक काम और कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर ये है, तुम लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, अच्छा पहला स्टेप इतना ऐसे देखो फेरिक क्लोराइड प्लस एक्सट्रैक्ट गिव्स इंटेंस ग्रीन कलर, या सिंपल लिख दो ग्रीन कलर, ऐसे बना लो, चॉइस है। लिखा मैंने ऐसे कि तुम कुछ बच्चों को दिक्कत आती कि लिखा कैसे जाए, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा कर दो, ये भी ट्रू है, नंबर नहीं कटेंगे, हो गया छोटा, दो लाइन को एक ही कलर में हो गया, इसको इससे मिलाएंगे तो ग्रीन कलर आएगा, खत्म कहानी, अपने आप अंडरस्टूड हो रहा है ये, ऐसे इसको लिख लोगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा 2 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म टू एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन केयरफुली एड कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 3 ml टू फॉर्म अ लेयर, ठीक है। और रेडिश ब्राउन कलरेशन क्या आ जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा इंटरफेस पे दोनों का, जो जहां पर वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरोफॉर्म उसका जहां पे जोड़ आ रहा होगा वहां पर ये कलर आ जाएगा। तो ठीक है यहां पर लिख सकते हो कि क्या आ जाएगा, यहां पर क्लोरोफॉर्म प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, गिव्स क्या दे रहा है, ब्राउन कलर। तो मैं हमेशा कहता हूं लकीर का फकीर नहीं बनना, कि सर ने पढ़ा दिया बस वही करना ना, उसमें कुछ अपना ऐड कर सकते हो तो कर लो, ये एकदम मेरे दिमाग में भी आ गया, इस तरह से कर सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा ये तो, है ना। तो लकीर का फकीर नहीं बनना कि टीचर ने जो पढ़ा दिया हो गया, वो हमेशा बोलता हूँ ये बात में, जो तुमको जहां से सबसे लगता है कि नहीं यहां से वहां से यहां से ये सबसे सिंपल है तो उसको इस तरीके से याद करना मेरे को आसान होगा, तो उस चीज को ऐड करते चलो। क्लियर है, ओके। इसी तरह डिटेक्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ट्रीट द एक्सट्रैक्ट विद 2 ml ऑफ ग्लैशियल एसिटिक एसिड, है ना सब केमिकल के नाम है, कंटेनिंग 1 drop ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, उसके अंदर 1 drop फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन भी होगा। एड 1 ml कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। अपीयरेंस ऑफ ब्राउन रिंग एट द इंटरफेस इंडिकेट द डीऑक्सी सुगर विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डिनोलाइट्स, ठीक है वो कार्डिनोलाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अपीयरेंस ऑफ वॉलेट रिंग बिलो द ब्राउन रिंग एंड अ ग्रीन रिंग इन द एसिटिक एसिड लेयर कंफर्म द रिजल्ट, ये रिजल्ट को कंफर्म कर देगा अगर ऐसा आता है तो। क्लियर है बातें, तो कुछ नहीं है, नाम है एक है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, ठीक है ना। होता क्या है, कुछ जो हमारे कैटल्स होते हैं ना, ऑक्स भेड़ बकरियां या फिर ये कह लो कि भैंसे हैं, उनकी आंतें जो होती है ना उनके ऊपर की लेयर को निकाल करके एक पतली सी खाल सी बनाई जाती है, ठीक है। हम लोग करते क्या, जब गोल्ड को पीटा जाता है ना तो उस लेयर को बीच में रख देते हैं ताकि दो गोल्ड फॉइल, मान लो एक फॉइल ये है, दो गोल्ड है इस तरीके से प्लेट है गोल्ड की, हम पीट पीट के पतला करना चाह रहे हैं। अच्छा गोल्ड को तो बहुत हल्का पीटो पतला हो जाता है, लेकिन अगर वो बीच में कुछ रखेंगे नहीं तो दोनों की चिपकने की संभावना हो जाती है। उसके बीच में एक क्या रखा जाता है, आंतों की खाल से बना हुआ एक
मेम्ब्रेन रखी जाती है, फिर पीट पीट के से पतला कर लेते हैं, फिर हटाते तो हमारे लिए निकालना आसान हो जाता है। तो वहीं से नाम पड़ा गोल्ड बीटर्स स्किन, वो खाल जो गोल्ड पीटने के काम में आती है, उसका टेस्ट इसको माना जाता है, ठीक है ना। तो प्रोसेस ये कहां से आती है स्किन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ एन एनिमल, टिपिकली कैटल्स, जो कैटल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन की ऊपर की मेम्ब्रेन को निकालते हैं। दिस मेम्ब्रेन यूज्ड टू सेपरेट शीट्स ऑफ गोल्ड, ये मेम्ब्रेन जो गोल्ड की शीट्स है उनको अलग करने के लिए काम में आती है, हैमर्ड आफ्टर लोहे से पीटने के बाद, ठीक है ना। तो करना क्या इसमें, सोक मतलब डुबा दो स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड बिटर स्किन इन 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर उसे डुबा दिया, रिंस उसका धो दो विद डिस्टिल वाटर, फिर उसके ऊपर क्या डाल दो, डिस्टिल वाटर डाल दो, है ना। मान लो हमने एक ऐसा कपड़े का टुकड़ा ले लिया इसका स्किन का, पहले उसको इसमें डाला, फिर उसको पानी डाल दिया, प्लेस इट विद डिस्टिल वाटर, फिर उसको उसमें डिस्टिल वाटर में रख देंगे, प्लेस इट इन सोल्यूशन टू बी टेस्टेड फॉर 5 मिनट, जिस सोल्यूशन को टेस्ट करना है इसको उठा करके उस सोल्यूशन में रख देंगे 5 मिनट के लिए, वॉश इन वाटर एंड ट्रांसफर टू 1% सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, धोलने के बाद फिर कहां रख दिया, फेरस सल्फेट में रख देंगे। ब्लैक और ब्राउन कलर ऑफ स्किन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टैनिन, अगर ब्लैक ब्राउन कलर आ जाता है इसके अंदर, इस स्किन का हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसके अंदर टैनिन मौजूद है। तो ये कुछ तरीके थे डिटेक्शन के, डिटेक्शन मतलब कंफर्म नहीं हो रहा है कि हाँ, हमको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये चीज इसके अंदर मौजूद है। जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, एक्चुअली होता है क्या, एक्सट्रैक्ट होता है तो हमारे पास सारे सोल्यूशन मौजूद है, हैगर्स ये वो फटाफट डाल डाल के, किसके लिए पॉजिटिव आ रहा है किसके लिए नेगेटिव, जिसके लिए पॉजिटिव आ रहा है अलग कर लेते हैं कि हाँ इसके लिए पॉजिटिव है इसके लिए नेगेटिव, यानी कि ये टेस्ट नहीं दे रहा ये टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, तो हमें आइडिया लगता जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का कुछ आइडिया किसी को, थोड़ा बहुत कभी देखा हो यूट्यूब पर जाकर के कि कैसे करते हैं। चलो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्रोमेटोग्राफी का, यहाँ पे मैंने ले रखा है। देखो ये होता है, होता क्या क्रोमेटोग्राफी में, एक बीकर होगा, क्या होगा बीकर तो पता ही है ग्लास का होता है, उसके अंदर हम एक सॉल्वेंट डाल लेंगे, सॉल्वेंट खास होता है, खासियत होती है इसकी, ठीक है। अब होता क्या है, मेरे पास जो सैंपल है मेरे पास, ठीक है ना, उस सैंपल को मैं क्या करता हूँ, पहले ये देख रहा हूँ ये क्या प्लेट, ये प्लेट क्या होती है, कभी वो देखा है लैब टेस्ट में गए होंगे तो ब्लड चेक होता है, ब्लड ग्रुप चेक होता है, तो हल्का ड्रॉप निकाल के एक पतली सी कांच की स्लाइड होती है, देखी होगी, उस पर रख लेते हैं वो लोग, तो ये वही कांच की स्लाइड होती है। इस कांच की स्लाइड के ऊपर, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल, क्या होता है सिलिका जेल, है ना, सिलिका पाउडर लेकर के हल्का पानी डाल के इस कैसा होता है ये पाउडर के रूप में होता है, इसमें पानी डालेंगे तो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा ना, पानी डाल के बहुत गाढ़ा नहीं बहुत पतला नहीं, ओके ओके एक मीडियम टाइप का, ऐसा समझ लो कि जस्ट लाइक जूस नुमा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। फिर इस जेल को हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं, ये पूरा जेल इसके ऊपर फैलेगा इस तरीके से, पतला 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 महीन डाल के ऐसे कर देते हैं हम लोग, जेल डालते जाएंगे वो पूरा इसके ऊपर ऐसे लेयर बन जाती है, तो थिन लेयर बहुत महीन लेयर 1 mm 2 mm की सिलिका जेल की लेयर बन जाती है। अब यहाँ पर हम लोग क्या प्लेस कर देते हैं, जो हमारे पास सैंपल होता है जिसको टेस्ट करना है उसको थोड़ा डायल्यूट करते हैं, उसमें से एक ड्रॉप निकालेंगे यहाँ रख देंगे और इसको उठा करके हम लोग एक सॉल्वेंट में रख देंगे। सिलिका जेल के माध्यम से होता क्या है, जो सॉल्वेंट है ये ऊपर चढ़ता है, जब ये सॉल्वेंट ऊपर चढ़ता है तो इमेजिन कर लो जो हमने ड्रॉप रखा है सैंपल स्पॉट है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास सैंपल स्पॉट, इसके अंदर दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी है, क्लियर होगी बात। तो होगा क्या, एक कंपाउंड इस सिलिका जेल से ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनाता होगा और एक कंपाउंड थोड़ी कम अच्छी बॉन्डिंग बनाता होगा, जिसकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है वो ऊपर की तरफ कम खिसकेगा इस सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट ऊपर चढ़ रहा है, सॉल्वेंट की तो क्षमता बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ने की, देखो वहां तक पहुंच गया वो। इस सॉल्वेंट के साथ साथ जैसे यहां पर देख सकते हैं जो ब्लू कंपाउंड है जिसकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है सिलिका जेल के साथ, तो ये ज्यादा खिसक जाता है, और जो रेड वाला है वो थोड़ा सा कम खिसकेगा। तो अब देखो ये हाइट किसकी रही, सॉल्वेंट की, और ये किसकी रही, जो हमारा मेन सैंपल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो केमिकल है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हाइट ऑफ सॉल्वेंट और हाइट ऑफ क्या कहते हैं ये सैंपल, इसको रेशो ले लेते हैं, और ये रेशो अगर तुमने लैब में कंडीशन सेम रखी हुई है ना, टेम्परेचर है और जिस कंडीशन बना रहे हो सॉल्वेंट है वो सारी चीजें अगर सेम है तो ये हाइट हर जगह सेम मिलने वाली है, और उस खास केमिकल के लिए उसकी वैल्यू खास होती है, जिसे हम RF वैल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं RF वैल्यू। तो ये बात आप तुम लोग को समझ में आ रही होगी कि इनका जो ये ऊपर कितने खिंच गए हैं और सॉल्वेंट कितना चढ़ गया है, इनका रेशो होता है, उसी रेशो से कंफर्म हो जाता है, तो ज्यादातर कंफर्मेशन हमको उसी से मिलता है। तो देखो यहां पर क्या, जैसे अल्कोलाइड के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, इथाइल एसिटेट
5:3:1 क्लोरोफॉर्म और वाटर, इसका क्या बनाया? सॉल्वेंट बनाया, ये सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये स्लाइड के अंदर ये रखा क्या, अल्कोलाइड, और उसको रखने के बाद वो अल्कोलाइड क्या होगा, ऊपर चढ़ा होगा। ऊपर चढ़ने के बाद इसकी आरएफ वैल्यू कितनी आई, 0.56। अब आरएफ वैल्यू क्या होती है? अच्छा, ये एक्सट्रैक्ट किसमें बनाया हमने, ए, ए मतलब एसीटोन के अंदर हमने एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर रखा, जो एक्सट्रैक्ट निकाला है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो हमने की थी वो किसके माध्यम से करी है, एसीटोन के माध्यम से, है ना, जो प्लांट का एक्सट्रैक्शन निकालता एसीटोन डाल करके उसको निचोड़ निकाला हुआ है। तो यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब ये आरएफ वैल्यू थोड़ा समझ लेते हैं। आरएफ को कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, वैल्यू इज द रेशियो, ये वैल्यू क्या है, रेशियो ऑफ द सॉल्यूट डिस्टेंस, सॉल्यूट का डिस्टेंस ये रहा सैंपल का, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल टू दैट सॉल्वेंट डिस्टेंस, सॉल्वेंट का डिस्टेंस ये रहा यहां से लेके यहां तक, है ना। तो ये सॉल्यूट का डिस्टेंस और ये सॉल्वेंट का डिस्टेंस, इनका रेशियो कर लेंगे, नाप लेते हैं, स्लाइड जब बाहर निकाल लेते हैं तो नाप लेंगे इंच टेप से, इसका जो रेशियो आता है, ठीक है, ऑब्वियस बात है सॉल्वेंट ज्यादा चढ़ेगा सॉल्यूट कम चढ़ता है, ठीक है, इसका जो रेशियो आएगा वही वैल्यू क्या कहलाती है, आरएफ वैल्यू कहलाती है, और ये वैल्यू उस सैंपल के लिए हमेशा सेम रहती है। आगे क्या बोल रहा है, द वर्ड कम्स फ्रॉम द क्रोमेटोग्राफी, ये वर्ड कहां से आया, क्रोमेटोग्राफी से आया, व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ गिवन कंपाउंड विल ऑलवेज ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, ये कंपाउंड हमेशा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन अ गिवन सॉल्वेंट, एक जो सॉल्वेंट गिवन है, अंडर द सेम कंडीशन, सारी कंडीशन सेम हो, टेम्परेचर, पीएच वगैरह हर एक चीज, और सॉल्वेंट सेम हो, तो इसकी हाइट हमेशा इतनी ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो आरएफ वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑलवेज सेम इफ द सेम सॉल्वेंट एंड स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज कौन सा है यहां पर, सिलिका जेल, स्टेशनरी फेज कौन सा है, सिलिका जेल, जिसके अंदर इसको हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है, तो सिलिका जेल से जो इसके ऊपर लगाया था हमने, अगर ये सेम है और सॉल्वेंट सेम है, क्रोमेटोग्राफी जब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो अब तो नहीं है अपने कोर्स में, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग इसकी, तो वहां पे स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है, मोबाइल फेज कहते हैं सॉल्वेंट को, स्टेशनरी फेज कहते हैं जो इसके ऊपर लग गया वो हिलेगा नहीं। ये हमेशा जो आरएफ वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, बात समझ में आ रही है। तो बस देखो हम लोग यही करते हैं ज्यादातर, जब ये अच्छा ये जब मान लो खिसक के ऊपर आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेयर्स रिजेंट का स्प्रे कर देंगे, जैसे स्प्रे करेंगे तो ये स्पॉट एक खास कलर दे देगा, वो कलर आते ही बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि अब तो यही है पक्के से, अल्कोलाइड है कुछ और नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो बस वही बोल रखा है, ये सॉल्वेंट लिया हुआ है, अल्कोलाइड, फ्लेवोनॉइड, टैनिन, फिनॉल, ये चार के लिए मैंने यहां पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं किस एक्सट्रैक्ट में निकाला है, इस पार्ट को चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, ये वैसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने कहा ना कंडीशन सारी सेम होनी चाहिए, किस पार्ट से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, देन आरएफ वैल्यू देख सकते हो 0.56, ठीक है, इसमें 0.25 से 0.92 आती है, और फ्लेवोनॉइड्स में बोरिक एसिड और जब ये मिला करके उसका स्प्रे करते हैं तो एक खास कलर आता है, कंफर्म कर देगा, प्लस ये वैल्यू से कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ ये चीज यही है, बात समझ में आ गई। एक तरीका तो क्रोमेटोग्राफी है कंफर्म करने का, एक तरीका क्रोमेटोग्राफी हो गया कंफर्म करने का, क्लियर है, कैसे करते हैं, बात समझ में आ गई। अब सॉल्वेंट लेने का तरीका होता है, क्लोरोफॉर्म वाटर इस रेशो में लिया जाएगा, मिथेनॉल वाटर इस रेशो में लिया जाएगा, एंड बिटेनॉल, इथाइल एसिटेट और वाटर इस रेशो में लिया जाएगा, ये फिक्स होने चाहिए, ये चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन पढ़ने बैठ जाओगे तो कम से कम इसकी 6-7 क्लासें लग जाएंगी, तब कहीं जाके अच्छे से कवर होगा, लेकिन क्योंकि ये लिख दिया है तो हमें इसका एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है, क्लियर है। आगे आते हैं, अब तो कन्फर्म हुआ हमारा क्रोमेटोग्राफी से, क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा सा मैंने तरीका बताया, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है, अदरवाइज अब भी आइडिया नहीं लग रहा है तो यूट्यूब पे जाएं, क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट डालें, वहां पे कुछ ना कुछ निकल के आएगा, देखें कैसे किया जा रहा है, तो थोड़ा सा और अच्छा आइडिया लग जाएगा तुम लोगों को, ओके। फिर हम लोग अच्छा वो अलग तरीका था, एक तरीका ये भी है जैसे कि बायोकेमिकल टेस्ट, यहाँ कुछ कुछ दिए मैंने, सबके नहीं दिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक आइडिया होना चाहिए कि हम लोग वहां से ही पता कर सकते हैं और यहाँ से भी इसका कन्फर्मेशन पता कर सकते हैं, कि जब लिखने को आएगा, जैसे मैंने कहा एकदम एग्जैक्ट पूछेगा कि हाँ यही टेस्ट दो, ऐसा बहुत कम है, एक जनरल पूछेगा वो, तो जनरल के लिए हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। केमिकल की बात करें जैसे कि अल्कोलाइड, अल्कोलाइड भी दो टाइप के होते हैं ना, एट्रोपिन एक और एक और होता है, तो यहाँ पे मैं एट्रोपिन अल्कोलाइड की बात कर रहा हूँ, इसमें एक होता है विटाली मोरिन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, अल्कोलाइड लेंगे, H2SO4 डालेंगे, सुखा देंगे, फिर 3 ml ऑफ 3% सॉल्यूशन ऑफ KOH डालेंगे, ठीक है, उसके बाद विच प्रोड्यूस ब्राइट पर्पल कलर, पर्पल कलर देगा जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एट्रोपिन, कि इसके अंदर एट्रोपिन मौजूद है, एट्रोपिन क्या होता है, अल्कोलाइड होता है, कंफर्म हो गया अल्कोलाइड है, ठीक है ना।
दूसरा तरीका क्या है, ऑन एडिशन ऑफ एजी एनओ3 सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड येलो व्हाइट प्रोपाइड, ये इनसॉल्युबल होगा एचएनओ3 में और सॉल्युबल होगा डायल्यूट एनएच3 में, कंफर्मेशन मिल जाता है। तो हम केमिकली भी पता लगा सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग केमिकल भी, केमिकल टेस्ट भी हैं जिनके थ्रू हम माध्यम से पता लगा सकते हैं कि फाइनल इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, कि हाँ वाकई में अल्कलॉइड है या नहीं है या कौन सा अल्कलॉइड है, ठीक है। फॉर सेना ग्लाइकोसाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट है हमारे पास, 3 ml प्लस डाइल्यूट एस्टरेज़ 4, 3 ml एक्सट्रैक्ट ले लेंगे, डाइल्यूट एस्टरेज़ 4 लेंगे, बॉइल करेंगे, छान लेंगे, कोल्ड ठंडा करेंगे फिल्ट्रेट को, फिर ऐड कर देंगे बेंजीन क्लोरोफॉर्म और हिला देंगे, सेपरेट द ऑर्गेनिक लेयर, जो लेयर बन के तैयार होती है उसको हटा देंगे और अमोनिया ऐड करेंगे, अमोनिया लेयर टर्न्स पिंक या रेड, जैसे इसमें कन्वर्ट होगी अमोनिया, ठीक है ना, वैसे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर क्या है, सेना ग्लाइकोसाइड्स मौजूद है, ठीक है। मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट, ये मॉडिफाइड है थोड़ा सा, 5 ml एक्सट्रैक्ट लेंगे जो निकाला हम लोगों ने, FeCl3 ले लेंगे और डाइल्यूट HCl ले लेंगे, ठीक है, हीट करेंगे, डेल्टा है ये, हीट करेंगे 5 मिनट के लिए, बॉयल एंड फिल्टर, हीट करने के बाद बॉयल कर दिया, फिल्टर कर लिया, टू कोल्ड फिल्ट्रेट, ठंडा कर लेंगे, ऐड फिर आगे सेम रहेगा, बस यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार्टिंग में H2SO4 लिया था, यहाँ पर हम लोगों ने ये दो चीज़ें ले रखी हैं, तो इसे मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट कहते हैं, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। तो हम लोग कन्फर्मेशन केमिकली भी लगा सकते हैं, और क्या होता है इसको हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं, फाइनल आइडेंटिफाई हो गया हमारे पास, जो ऊपर वाले टेस्ट थे सबके लिए जो टेबल बना दी थी वो इन्फ्रेंस निकलता कि हाँ इसके अंदर ये मौजूद होगा, क्लियर है बातें। तो ये हमारे पास फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, और इसमें से मैं फिर कह रहा हूं इस चक्कर मत पड़ जाना कि सारी रिएक्शंस याद करने बैठ जाओ, कुछ अपने एक दिमाग में पहले एक डाटा सेट करना कि हाँ इसमें इसमें इतने 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 बातें लिखनी है कि हाँ एक पेज का कंटेंट इतना होगा, फिर उसमें धीरे धीरे चीजें ऐड करते जाना है, क्योंकि एकदम से ये याद नहीं होगा, और जो बच्चे पहले से कुछ रिएक्शन वगैरह याद हैं वो अच्छी बात है, अदरवाइज रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये खत्म होता है, ये अपने आप में मैंने जैसे बताया बहुत लेंदी चैप्टर है, ठीक है, लेंदी इन द सेंस अगर पूरा डिटेल में जाते हैं तो डिटेल है नहीं हमारे कोर्स में पूरा पूरा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक इतना कर लोगे सफिशियंट होगा, इससे बाहर कोई चीज जाएगी नहीं और मार्क्स अच्छे आएंगे, क्लियर है। तो क्या करना है, पढ़ाई करनी है और पढ़ना है। ऑल द बेस्ट।